नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक यहां पर पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी की है और इस बीच बड़ी संख्या में अनैतिक गतिविधियों से लिप्त सामान को जब्त किया है। ये बड़ी कार्रवाई हरियाणा के फतेहाबाद से की गई है, जहाँ पर सिरसा रोड पर एक कॉम्प्लेक्स में चल रहे होटल में अनैतिक गतिविधियों होने की सूचना मिल रही थी। यहाँ पर होटल में पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर ये छापेमारी की और ये बड़ा कार्रवाई के दौरान यहाँ पर होटल के मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद यहाँ पर कमरों की छानबीन की तो इसमें बताया जा रहा है कि पंजाब की रहने वाली कुछ महिलाएं मिली हैं और काउंटर से भारी संख्या में बताया जा रहा है कि कैश जब्त किया है। इसके बाद फिलहाल पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान यहाँ पर मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मैनेजर ने अपना नाम राहुल बताया है। मोहित नाम के युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और होटल किराए पर लेकर इस देह व्यापार को संचालित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पर कई को अनैतिक गतिविधियों से लिप्त सामान सहित पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बड़ी कार्रवाई की गई। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट करें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।